हमारी मूवी हो गई खत्म। फिलहाल डंकी मूवी जो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया है, एक बार तो इंसान को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं दृष्टि ब्लॉग में आपका जो सबका होस्ट दिल्ली की जान दिल्ली की शान आपका अपना वसीम भाईजान लेकर आए हूं आपके लिए एक और धमाकेदार ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स जो कि है गाजियाबाद में, और वहां पर हम आपको पूरा उसका इंटरव्यू दिखाएंगे, हॉल कैसा है, कितनी स्पेस है, कितना बड़ा है, कहाँ है, कैसे जाना है, सारी कुछ डिटेल आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। और आज हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को, तो चलिए फटाफट से देर ना करते हुए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। और हाँ गाइस, वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों में, कमेंट करके हमें जो भी आपको, अगर हमारा कुछ यहाँ पर छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेफिक्र होकर, कोई भी टेंशन नहीं है, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। भले ही मैं एक छोटा सा स्मॉल यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं आपका पूरी तरीके से कंटेंट जो है बनाता हूँ, उसके लिए आपको रिप्ले करता हूँ, आपको पूरा फुल सर्टिफाइड करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपने व्लॉग में अच्छे से अच्छी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको पूरी डिटेल दे सकूँ। चलिए अब हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं, तो शुरू करते हैं। मल्टीप्लेक्स जो कि है साहिबाबाद गाजियाबाद में, और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। उस हॉल के बारे में सुना कि वो बंद होने वाला है, तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ उससे पहले मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल दे दूँ, पूरी जानकारी दे दूँ। तो इस व्लॉग को आपको एंड तक देखना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है, और ज़्यादा से जानकारी को और लोगों तक शेयर करना ताकि और लोग यहाँ से जा सकें अगर वो घूमने फिरने के शौकीन हैं। तो दोस्तों हमारा पर्पज़ है कि हम अपने इस वीडियो में, इस व्लॉग में जो है घूमने फिरने से रिलेटेड ही व्लॉग बनाते हैं, तो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, यानी कि आपको हम फुल इंटरटेनमेंट कर सकें। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें। और हाँ, मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगा, क्या जाऊँगा, कब जाऊँगा, आपको पूरा इसमें सब कुछ मिलेगा। उस हॉल का टिकट प्राइस, उस हॉल का रेट, रिव्यू सब मैं आपको दूंगा। तो इस ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे फिर मैं आगे और कैसे बना पाऊँगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह एक दिन बढ़िया से बढ़िया व्लॉग बनाने की आपके लिए कोशिश करूँगा, और ऐसे ऐसे व्लॉग लाऊंगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। हॉरर पे जो है मेरा एक माइंड है कि मुझे हॉरर पे काम करना है, तो मैं एक रियल में हॉरर चीज़ों पे, हॉरर डेस्टिनेशन पे जाके वहाँ ब्लॉग बनाऊंगा जब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उसके बाद से। तो दोस्तों मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे और मैं बीच में काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह यह है कि मेरे जो पापा हैं, मेरे फादर हैं, वो एक्सपायर हो गए थे 13 नवंबर को। उसके बाद से जो मेरे वीडियो पहले से बन चुके थे वो मैंने अपलोड किए, लेकिन बाद में नए नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पापा के ख़त्म होने के बाद से मैं बिल्कुल अकेला हो गया। और गाइस मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी फैमिली बनिए, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं हूँ, मेरे साथ दो घर के लोग हैं बस, वही दो बचे हुए हैं मेरी फैमिली में, बस 2-3 लोग बचे हुए हैं, बाकी मेरा कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और YouTube फैमिली मेरी एक फैमिली बने, ताकि मैं भी कुछ कर सकूँ। मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गए, मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए, मेरे दादी भी एक्सपायर हो गए, मेरे दादे भी एक्सपायर हो गए, और मेरे तमाम चाहने वाले एक्सपायर हो चुके हैं, और मैं बिल्कुल तन्हा हो चुका हूँ, मेरा कोई नहीं है, आप लोग हैं, आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरे वीडियो को जो है पसंद कीजिए, करिए उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो और आगे पहुँचे, यूट्यूब ने और रिकमेंड करे और आगे तक पहुँचाए, ताकि मेरी मेहनत सफल रहे। मेरा मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं और लोगों को मोटिवेट करूँ वो यूट्यूब पे आए और उसकी जो है गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अच्छे से अच्छा काम करें। और मैं भी कोशिश करता हूँ मैं भी यूट्यूब की गाइडलाइन फॉलो करूँ और अच्छे से अच्छा काम करूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मेरी मेहनत को रंग लाइए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं भी कुछ आगे बन सकता हूँ, कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, और मुझे मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ज़बरदस्त व्लॉग लाऊंगा, मैं बाहर जाके भी व्लॉग बनाऊंगा, अदर प्लेसेस में व्लॉग बनाऊंगा। तो गाइज अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से चलते हैं बाहर की तरफ। ये हमारा आ गया है वेलकम का मेट्रो स्टेशन, यहाँ से हम सीधा अंदर चलते हैं, और अंदर चल के हम फटाफट से देखते हैं कि आज भीड़ है कि नहीं। वैसे आज संडे का दिन है और आज के दिन भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है, तो फटाफट से हम चलते हैं अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको भीड़। ये देखिए हमने एंट्री कर ली है, एंट्री करने के बाद आप भीड़ देख सकते हैं किस कदर की भीड़ है। एक्सीलेटर पर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा संडे को जो है इस्तेमाल होती है, क्योंकि मेरे पीछे जो है फिलहाल मैदान खाली है, कोई नहीं आ रहा है, रास्ता एकदम क्लियर है। तो चलिए हम फटाफट से चलते हैं, देर ना करते हुए हम पहुँचे हैं वैशाली मेट्रो स्टेशन।
और ये मैं आपको बाहर का इसका जो है पुल दिखाता हूँ, फ्लाईओवर। ये वैशाली का फ्लाईओवर है जहाँ से आपको निकल के बाहर आना है। ये जो है ये फ्लाईओवर ऐसा है कि यहाँ से अगर आप अपनी सवारी से भी आएँ तो बड़े आराम से आ सकते हैं। यहाँ से आप वैशाली मेट्रो स्टेशन से उतर के मात्र 2 मिनट की दूरी पर पहुँच सकते हैं। और सामने ये गाइस ये जो है रैपिड मेट्रो का काम चल रहा है, जो रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक मेट्रो का बिछाया जा चुका है, तो इस वजह से यहाँ पर काम चल रहा है। कुछ दिनों में मेट्रो भी चलने लगेगी तो हो सकता है गैलेक्सी तक मेट्रो पहुँच जाए। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स के सामने, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं गैलेक्सी मॉल में और अब यहाँ से हम चलते हैं फटाफट अंदर जल्दी से। तो हम फटाफट से कर लेते हैं इसकी एंट्री, अंदर चलते हैं सीधे टिकट काउंटर पर। ये देखिए गाइस ये है इसका टिकट काउंटर। तो हमने ले लिया है गाइस इसका टिकट जो कि है 140 का और 180 का भी मिलता है यूनिक्सो में। तो चलते हैं हम ऊपर। तो गाइस हम चलते हैं फटाफट से ऊपर और देखते हैं कि कैसा यहाँ का इंटरफेस है और जल्दी से, क्योंकि हमारे जो टाइम है वो चुका है। वीजा लगवा देंगे इंडिया की विमेन रेसलिंग टीम यानी ओलंपिक। अब ये कोच कहाँ मिलेगा? लुटपुट गया। कोई बात नहीं सर, आप लिख के दे दो, मेरी तरफ से नाम डन है। तो गाइस मूवी का हो गया है इंटरवल, ये आप देख सकते हैं। इसकी जो स्क्रीन है वो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है और यहाँ की सीटें भी जो है बहुत कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर आप 140 और 180 में आराम से जो है मूवी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप वीकेंड्स डे में आते हैं तो 230 एंड 280 तक भी इसका प्राइस पहुँच सकता है। तो फिलहाल आप चलते हैं बाहर और हम बाहर दिखाते हैं इसका जो बाहर का जो राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा शानदार व्यूज़ आ रहा है, ये आप खुद देख सकते हैं सामने से। और ये इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन पर बनाया हुआ है कि जो कि मेन रोड पे अगर आपको आएँ अपनी गाड़ी वगैरह से आएँ तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और ये इसका डिज़ाइन है और डेकोरेटर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना शानदार है। ये शानदार इसलिए भी है कि इसका जो है पहले बगल में जो है इसके एक मैरिज हॉल बनाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको इसके एंड में ज़रूर दिखाऊंगा अगर दिखा सका तो। फिलहाल हम चलते हैं कैंटीन की तरफ, जो ये आप सामने देख रहे हैं ये है कैंटीन। यहाँ से आप कुछ भी जो है खा सकते हैं, कुछ परचेज कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी इसकी ये कैंटीन ही लगी क्योंकि यहाँ पर हर आइटम बहुत सस्ता है, 60 और 65 के बीच में है। और आप यहाँ कुरकुरे चिप्स एंड चॉकलेट्स वगैरह भी लेंगे तो वो भी अवेलेबल है। ये आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल जो इसकी स्क्रीन है। और ये आप थोड़ा सा हम आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं इसका कि वो कैसा है। और वॉशरूम जो है इसका साफ़ सुथरा है, यहाँ पर आपको कोई परेशानी गंदगी नहीं दिखेगी। ये देखिए गाइस ये है इसका वॉशरूम, कुछ ऐसा है। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर एक इसकी बालकनी दिखाएंगे आपको कि बालकनी कैसी है। और वहाँ पर एक कैंटीन है वो भी दिखाएंगे हम, वहाँ की कैंटीन कैसी है, क्योंकि नीचे जो है वो ग्लो कैंटीन थी, ऊपर चल के हम दिखाते हैं। और सामने आप देख सकते हैं मेरे, ये आप पीछे देखिए, ये है ऑडिटरी और यहीं से ऊपर चलते हैं। तो इसके ऊपर हम चलते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर क्या है और कैंटीन जो है ऊपर वाली वो कैसी है उसका। तो गाइस ये देखिए ये है इसका जो कैंटीन रूम है, फिलहाल हम आए हैं कैंटीन रूम की तरफ। तो गाइस ऊपर की जो कैंटीन है उसमें जो वेफर्स वगैरह हैं उसके साथ साथ जो है नूडल्स, चाउमीन एंड भेलपूरी वगैरह भी अवेलेबल हैं। और यहाँ की कैंटीन का जो रेट है वो भी फिक्स है। ये आप सामने देख सकते हैं बालकनी की तरफ आ चुके हैं, ये ऊपर से इसकी बालकनी क्लास है ऑडिट 2 की। हम आपको ऑडिट 2 की स्क्रीन दिखा रहे थे जो कि क्लियर है। और ये सामने आप देख सकते हैं पूरी रेट लिस्ट लगी हुई है खाने की, अगर आप कुछ भी लेना चाहें तो मिनरल वाटर भी है जाके जो कि नॉर्मल रेट पे है। और आप जो है यहाँ से बर्गर वगैरह भी लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं जो कि बिल्कुल कॉस्टली है। और हमने फिलहाल यहाँ से कुरकुरे और चिप्स लिया है क्योंकि ज़्यादा प्राइस में नहीं था। और सच है फिलहाल मूवी का एंड हो चुका है, एंड में जो सीन दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे सीन है जो आंखों को इमोशनल कर देंगे, कुछ देर के लिए आप बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। फिलहाल जो देख रहे हैं आप यहाँ पर हॉल खाली है लेकिन सीट लाइट चालू हो चुकी है, मगर कोई भी अभी तक सीट से उठा नहीं है क्योंकि मूवी काफ़ी इमोशनल फुल हो चुकी थी। और इमोशनल फुल होने के बावजूद भी हमने उसको पूरा एंड तक देखा ताकि उसके जो सीन हैं वो हम रियलाइज कर सकें, उसको महसूस कर सकें, उसको फील कर सकें। पीछे कुछ देख रहे हैं आप पब्लिक जो है उठ रही है क्योंकि मूवी ख़त्म हो चुकी है टोटली, मगर फिर भी आधे से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं बैठ के देख रहे हैं कि मूवी। लेकिन हमने जो है मूवी का पूरा
प्रपोज लिया है, कोई भी सीन मिस नहीं किया है, क्योंकि मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं अगर आपको कहूँगा मेरी राय तो यही है कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें। इसमें जो है डंकी प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से आप, मतलब जो कुछ लोग हैं जो लंदन और इंग्लैंड जाने के लिए डंकी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, डंकी प्रोसेस जो है उसे कहते हैं कि जो इलीगल तरीके से इस देश से दूसरे देश जाया जाता है, और इंडिया में किस तरह से वो रहे या किस तरह से उन्होंने वो डंकी प्रोसेस फॉलो किया, उसका इस पिक्चर में बड़ा अच्छा पिक्चराइजेशन किया गया है। तो आपको मैं यही कहूंगा कि अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको अपनी नॉलेजफुल जो वो मिलेगा, और एंटरटेनमेंट तो इस फिल्म में पूरा पूरा भरा हुआ है। तो मूवी हो गई है बस ख़त्म, हम आ चुके हैं बाहर। बाहर हम आपको अब इसका पीछे का हिस्सा दिखाते हैं। जो पीछे का हिस्सा है ये आप देख सकते हैं जी, ना ये देखिए, जब मैं मूवी ऊपर खड़ा हुआ था, ये सामने का वो आप फ्लोर देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले इंटरवल में दिखाया था, ये वो इंटरवल की बालकनी थी। और हम नीचे आ चुके हैं। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मल्टी टल में स्क्रीन लगी हुई हैं और कुछ बैनर शो लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर पूरा शो चल रहा है। तो गाइस ये देखिए, ये है इसका एंट्री करने का मेन इंटरफेस। इसके बगल में जो है आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो गाइस ये हम आ चुके हैं बाहर, ये आप आग देख सकते हैं, ये है इसकी मल्टी लेवल कार पार्किंग। और फिलहाल जो है आपको सामने जो दिखाया है ये था एक रेस्टोरेंट जो कि काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पर आप सिर्फ छोटे वाहन नहीं बड़े वाहन भी लाके आराम से खड़े कर सकते हैं। मल्टी लेवल कार पार्किंग है जिसमें कार पार्किंग नहीं, बाइक और स्कूटी साइकिल वगैरह भी आप पार्क कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो फ्लाई ओवर है ऊपर, RRTC मेट्रो का, रैपिड मेट्रो का फ्लाई ओवर है, जिसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है। गाइस आपने देखा ये था गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स जो कि है गाजियाबाद महानगर में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आया जाए। अगर आपको यहाँ आना है तो आपका नियर बाई जो मेट्रो पड़ेगा वो पड़ेगा वैशाली का, और आप जो है वैशाली आके बस 2 मिनट के डिस्टेंस पर यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिलहाल ये मॉल जो है मॉल नहीं है, सिंगल मल्टीप्लेक्स है, लेकिन मैं आपको सामने फिलहाल आप देख सकते हैं ये सामने से ये है गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स, ये ऊपर आप देख सकते हैं। इसमें जो है 3 पर्दे हैं, और यहाँ का जो है सिंगल स्क्रीन जो मैंने आपको दिखाई वो 3 स्क्रीन के साथ है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल शाम का समय हो चुका है इसलिए अंधेरा होने की वजह से शायद मैं आपको कुछ क्लियर ना दिखा पाऊँ, लेकिन ये जो है आप देख रहे हैं सामने ये वाला सिस्टम पूरा, ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आप पार्क वगैरह अपनी गाड़ी जो है कर सकते हैं। और ये ऊपर आप देख रहे हैं ये जो है ऊपर ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर जो बन रहा है, ये फ्लाईओवर जो है ये है आपका रैपिड मेट्रो जो आने वाली है उसका फ्लाईओवर है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर यही कुछ है। और सामने आप देख सकते हैं ये वैशाली है जो कि इंदिरापुरम के पास है गाजियाबाद में। और अब हम यहाँ से वापस चलते हैं क्योंकि मूवी हो गई है। लेकिन हमें कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपका कोई सवाल हो। यहाँ का मैंने पूरा एंटरटेनमेंट आपको दिखाया है, पूरा जो है फुल ब्लॉग आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अब वापस, क्योंकि रात का समय हो चुका है और हमारी मूवी हो गई ख़त्म। फिलहाल डंकी मूवी जो मैं कहूँगा बहुत बढ़िया है, एक बार तो इंसान को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है कहानी जो दिखाई गई है उसमें ज़्यादा कहानी में सच्चाईपन दिखाया गया है। तो आप जो है इस मूवी को ज़रूर देखें। बाकी आपका ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी, मैं इसमें 10 में से 10 नंबर ही दूंगा। तो और ये हॉल भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सस्ता है, इसका जो है 180 और 140 का टिकट है। और आप अगर वीकेंड्स में आते हैं तो भी यहाँ पर सस्ता मिल जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वैशाली का जो मेट्रो स्टेशन है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, शायद आपको फ़ोन में रात में समझ ना है, मगर ये स्टेशन इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए गाइस हम चलते हैं, रात का वक्त हो चुका है और हम निकलते हैं। हमने आपको इस व्लॉग में फुल डिटेल दी है पूरी वैशाली से लेकर गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स पहुंचने तक। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो मेट्रो का जो राउंड है, ये राउंड शेप में स्टेशन बहुत अच्छा बनाया हुआ है। फिलहाल होल्डिंग मशीन के साथ साथ स्टॉल फूड भी लगाया हुआ है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो बड़े आराम से खा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।